हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ केबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको डिफरेंट लोकेशन पर लाया हूँ। एक्चुअली यूजली हम पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्लेन जगह पर। आज हम आप पहुँचे हैं लखनऊ में। हम दिल्ली से अराउंड 1 बजे चले थे। और यहाँ पे सुबह 6:30 बजे पहुँच गए थे। सिर्फ 5.5 घंटे लगे हमें आने में, क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं। जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये सुबह का नाश्ता लखनऊ में करेंगे, क्योंकि लखनऊ ही आया घूमने, तो वहीं करेंगे। और कहाँ करेंगे? फूल गोमती नगर, नॉट लखनऊ, गोमती नगर। लखनऊ में आने का मेन रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं और अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम हैं बड़ा इमामबाड़ा में, क्योंकि आप देख सकते हैं उधर। और इसके बाद हम छोटा इमामबाड़ा में जाएंगे और वहाँ पर एक रूमी दरवाज़ा है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर मार्केट्स में जाएंगे। तो चलिए अभी आपको बड़ा इमामबाड़ा में लेके चलते हैं और फिर आगे का आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। और जैसे आप अंदर घुसोगे, इसमें फर्स्ट चीज़ आपको आपके राइट हैंड साइड पे दिखाई देगी, वो है यहाँ पे एक मस्जिद है बहुत ही अच्छी। और उसके बाद जब आप इस साइड आओगे तो कुछ बोर्ड्स लगे हैं, और बोर्ड के सामने जो आपको एक बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, वहाँ पर बावली है, भूल भुलैया है, और जो मेन इमामबाड़ा का जो बहुत बड़ा हॉल है जिसके लिए मशहूर है वो है। तो चलिए पहले हम मस्जिद पर चलते हैं और उसके बाद हम इमामबाड़ा के अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम मस्जिद से आए हैं, जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। उसके बाद ये इमामबाड़ा है, इसमें हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बावली, पानी की बावली। तो पहले हम वहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे अपने अंदर करते हैं। चलिए। सो गाइज, अभी हम बावली के अंदर हैं। ये हमारे गाइड, आपका नाम क्या? माय नेम इज जाकिर अली। जाकिर अली, तो ये यहाँ के गाइड हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट पे गाइड मिलते हैं आपको, मात्र 30 रुपए, 10-10 के 3 नोट इन्होंने बताए। नहीं, हम सिक्के देंगे लेकिन हम सिक्के भी दे सकते हैं। तो आइए, हमें सब कुछ बताएंगे अंदर अब क्या क्या है। तो नवाब आसिफ उद्दौला ने सबसे पहले कुआं बनवाया और इसका कनेक्शन गोमती रिवर से लिया। तो जब गोमती रिवर का वाटर इसमें आ गया तो इसी के वाटर से पूरी बिल्डिंग बनी। ये रानी के नहाने का कुआं नहीं है, यह है वाटर सप्लाई के लिए। तो यहाँ से आपकी एंट्री हुई, ये पानी देख रहे हैं आप, ये सीसीटीवी कैमरे का काम करता है। मतलब आप इधर से चले तो आपका कलर फोटो पानी से लोग देख रहे हैं, और जब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा तो आप लोग बाहर वालों का कलर फोटो वाटर कैमरे से देखिएगा। ऑल टाइम नो सीसीटीवी कैमरा, दिस इज वाटर कैमरा। सो गाइज, आई होप आपने सुना होगा इनको। इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वाटर कैमरा है। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है। तो जिस जमाने में बिल्डिंग बन रही थी, उस जमाने में अकाल पड़ गया, सूखा। तो जब सूखा पड़ा तो नवाब ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई तो रोजगार देने के लिए। दिन सारी बिल्डिंग बनती थी और रात को उसको तुड़वा दिया जाता। मतलब दिन में बिल्डिंग बनती थी, रात को तुड़वा देते थे। क्यों? रोजगार। अच्छा।
जैसे आज के सरकारी लोग करते ना, जमीन खोदी फिर भर दी। सो गाइस, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हमें रिफ्लेक्शन दिख रही है, आपको शायद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा हम लोगों के उल्टे वीडियोस बना रहे, लेकिन एक्चुअली में उल्टे वीडियोस नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। बहुत इतनी रियल रिफ्लेक्शन लग रही है कि मतलब यकीन नहीं होता देख के कि ये पानी के ऊपर बन रही है, बिल्कुल क्लियर सीसीटीवी जैसे लग रही है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर हम जूम इन करें तो आप देखेंगे जो नीचे हमें इमेज दिख रही है ना, उन लोगों के पैर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे जो गाइड है उन्होंने बताया कि पहले नीचे देखा जाता था कि कौन आ रहा है, उनकी शक्ल वगैरह सब दिख जाती थी, और ऊपर फिर उनको मतलब कोई दुश्मन वगैरह होता था तो उसको मारने के लिए यहाँ से उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो पहले यूज की जाती थी, मतलब यकीन नहीं होता देख के कि इतना एडवांस था उस टाइम पे भी। तो मेन अट्रैक्शन था वो, एक तो जो सीसीटीवी कैमरा उन्होंने दिखाया वो बेस्ट था, मतलब वो मैंने पहली बार देखा ऐसा कुछ अपनी लाइफ में। हमने भी, क्योंकि हमने कई बावली देखी है, आपने हमारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन इस टाइप की चीज़ हमने पहली बार देखी है। उसके अलावा इन्होंने दो तीन लेवल्स दिखाए थे जिनमें क्या कहते हैं जिनके थ्रू निगरानी रखते थे दुश्मनों पे और हमला वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें थी। और एक कुआं था, और एक अच्छी चीज़ थी कि हम 4 मंजिल तक चढ़ के गए और 20 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, लिटरली 20 सेकंड में आ गए। तो ये थी बावड़ी, अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सी जगह जाएंगे, इमामबाड़ा के अंदर ही। अब हम बावड़ी से बाहर आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे वो मस्जिद है, वहाँ से हम लैंड पे किया था, और बावड़ी से हम यहाँ से आए हैं और अब हम जा रहे हैं बुल भुलैया में। सो गाइज, हमने शायद क्रैक कर लिया है कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक्चुअली में भूल भुलैया बहुत कंफ्यूजिंग है, जब आप जाओगे मतलब कहीं पे रास्ता है कहीं पे बंद है, आप थोड़ी दूर जाओगे पता लगेगा रास्ता ऊपर जा रहा है लेकिन आपको नीचे जाना था, तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ता एक्चुअली में भूल भुलैया है। तो हमने क्या प्लान किया कि आप टॉप पे तो हम पहुँच गए हैं, भूल भुलैया आपको पूरी दिखा दी है, एक काम करते हैं उधर बिल्कुल कॉर्नर में एक वो है एंट्रेंस है नीचे की तरफ जहाँ हम गए नहीं है, होपफुली वहाँ का रास्ता डिफरेंट होगा और हमें शायद समझ ना आए। तो नीचे के लिए वो वाला रास्ता यूज करते हैं, रास्ता लेते हैं, पूरा रास्ता दिखाते हैं आपको। हम ना इमामबाड़ा के ऊपर पहुंच गए यार, ये देखो ये हॉल का है ना पूरा, अरे सच्ची। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम पता नहीं कहां से होते होते ठीक इमामबाड़ा के ऊपर पहुंच गए। इंटरेस्टिंग है, अभी तक नहीं पहुंचे थे यहां पर, नहीं अभी तक नहीं आए थे हम, मतलब गाइस हमने अभी तक इमामबाड़ा देखा नहीं है। मेन एंट्रेंस उस साइड से कहीं से है, और छज्जा टाइप है, छज्जा चारों तरफ जो बना नीचे है। वो बड़ा सा हॉल है दिख रहा होगा वहाँ पे दरगाह, लेकिन हमें नीचे उतरना है, मतलब नीचे तो उतरना है, लेकिन यार आई एम सरप्राइज, मतलब एकदम से कैसे आ गया ये इमामबाड़ा, कैसे आ गया एकदम से।
उसको ऊपर ही चलो यार, समझ में नहीं आ रहा और कुछ। हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि सीधा ऊपर चलो। आगे ये हम नीचे आ गए एक्चुअली, देख रहे हो हम ऊपर नहीं चढ़े हुए, ये इधर रास्ता ठीक है, थोड़ा नीचे आ गए हैं। अब ये रास्ता बाहर जाने का, देख रहे हो? आ तो गए हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना अंदर से रास्ता क्यों नहीं, रास्ते ऊपर नीचे जाके हैं, मतलब ऊपर जाने का समझ ये नहीं कि ऊपर ही जा रहा है। अभी हम बुल भुलैया से बाहर आ चुके हैं, हमें अराउंड 15-1 मिनट लगे वहाँ से बाहर आने में। क्या चाहिए कि ऊपर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन नीचे आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसको ढूंढने में लिटरली हमारी लग गई। और बीच में हमें इमामबाड़ा भी दिखा रहा जो हमने आपको दिखाया सरप्राइजली, वो एकदम हम कैसे वहाँ पहुँच गए समझ नहीं आया। तो बुल भुलैया हो चुकी है, अभी हम चल रहे हैं फाइनल हमारे डेस्टिनेशन पे जो कि है ये इमामबाड़ा। सो गाइज फाइनली बड़ा इमामबाड़ा डन, अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी बढ़िया जगह लगी, आप चाहो तो यहाँ पे आके एक बार विजिट कर सकते हो, मेरे हिसाब से डेफिनेटली पसंद आएगा। स्पेशली एक वो पानी वाला क्या था वो सीसीटीवी, पानी वाला सीसीटीवी और एक बुल भुलैया। अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं छोटे इमामबाड़े की तरफ और उसका देखते हैं आगे और क्या क्या है। अच्छा, मतलब इधर से जाते हुए 3 मंजिल 3 दरवाजे, 4 मंजिल 3 दरवाजे और उधर से आते हुए 1 मंजिल 1 दरवाजा। अच्छा, और ये आपने गजब पिक्चर देखी हुई लाहौर की, तो ये लाहौर का गेट इधर किनारे वाला बनाया गया था। अच्छा, गदर पिक्चर में। अच्छा, तो ये जो बता रहे थे ये इस साइड से 1 मंजिल और 1 गेट आपके सामने और उधर से आए थे हम तो 4 मंजिल और 3 गेट थे। मतलब यहाँ की हर चीज ऐसे भूल भुलैया टाइप की क्यों बना रखी है, मतलब बिल्कुल ही है ना अलग डिफरेंट हर चीज। फ्रेंड्स, अभी हम छोटा इमामबाड़ा पहुंच चुके हैं। छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा से अराउंड 500 मीटर दूर है, आप पैदल भी आ सकते हैं या घोड़ा गाड़ी या व्हाटएवर आप ई रिक्शा कर सकते हैं, 10 रुपये लगेंगे, कोई खास ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं, आपके पीछे से उसका मेन गेट दिख भी रहा होगा, चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम छोटा इमामबाड़ा के अंदर आ चुके हैं और जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो एक मकबरा है, तो चलिए आपको थोड़ी यहाँ की सराउंडिंग दिखा देते हैं। ये जो इमारत बनी हुई है एक्चुअली ये आगरा के ताजमहल की छोटी सी कॉपी बनाई है इन्होंने, ये एंट्रेंस है, हम जिस एंट्रेंस से अंदर आए हैं। और ये एक और इमारत बनाई हुई है, तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरी लोकेशन की ओर।
तो गाइस अभी हम अपने पिक्चर गैलरी की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए आपको उसके अंदर लेके चलते हैं। अभी हम जो फोटो गैलरी है उससे बाहर आ चुके हैं। अगर आप जाना चाहें तो अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे कुछ 15-20 फोटो ऐसी हैं बिल्कुल 3D इफेक्ट देंगी आपको। तो आज के जो हमारे डेस्टिनेशन जो हमने सोचे थे कवर करने के लिए, हम कवर कर चुके हैं और अभी बजे हैं शाम के 4। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट्स को एक्सप्लोर करने। अभी हम यहाँ से चौक जाएंगे जो यहाँ से अराउंड 500 मीटर दूर है, और उसके बाद फिर हम अमीनाबाद की गलियों में रात को घूमेंगे, जो कि कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली के चांदनी चौक जैसी हैं। तो चलिए अब हम जरा मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक तो इदरीस की बिरयानी, मतलब पास लाके बोलता हूँ, एक तो इदरीस की बिरयानी और दूसरा प्रकाश कुल्फी, प्रकाश की कुल्फी। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत फेमस हैं। हाय गाइस, सो अभी रात के लगभग 9:30 बजे और हम एक्चुअली सो गए थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आराम लेने के लिए। तो अभी नींद खुली थोड़ी देर पहले, तो रेडी हुए और अब हम नेक्स्ट मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको चौक दिखाया था, चौक बेसिकली एक मार्केट का नाम है। वहाँ पे हमने बिरयानी ट्राई करी थी, कुल्फी ट्राई करी थी जो बहुत फेमस है यहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे मतलब मार्केट है चिकन वगैरह, तो इधर खैर चिकन तो यहाँ पे ऐसा है कि हर जगह ही मिलता है चिकन, मतलब खाने वाला भी और पहनने वाला भी। तो मतलब चिकन के जो कुर्ते वगैरह और वो सब, वो तो मतलब आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। मेन अट्रैक्शन वहीं पे वही था कि हमने वहाँ पे बिरयानी खाई और कुल्फी। अभी हम जा रहे हैं अमीनाबाद। अमीनाबाद भी बेसिकली आई थिंक खाने पीने के लिए बहुत फेमस है, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, आपको अपडेट देते हैं। गाइज अभी अमीनाबाद मार्केट में, मतलब चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें, डिशेस की खुशबू, वही सब है। नॉन वेज होपफुली बहुत अच्छा मिलता होगा यहाँ पे। शोर बहुत है, आवाज़ पता नहीं कितनी आ रही है। जो यहाँ का फेमस टुंडे कबाब वो यहीं मिलता है, ओरिजिनल वाला जो असली है। वैसे तो बहुत सारे हैं, असली यहाँ पे मिलता है, वो ट्राई करेंगे। डिनर करके बाहर आ चुके हैं। खाना बहुत टेस्टी, बहुत सस्ता, बहुत जेन्युइन रेट पे था। और लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे ऑप्शंस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे मेन्यू में, क्योंकि बहुत लिमिटेड, मतलब 8-10 ऑप्शंस हैं टोटल। लेकिन बहुत अच्छा खाना था। इवन ये तो नॉन वेज की बात हुई, हमें उम्मीद नहीं थी कि वेज भी मिलेगा, और वेज भी जो था वो बहुत टेस्टी था। हमने वेज कबाब मंगाए, वेज बिरयानी मंगवाई। ना ना ना, बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती। वो सिर्फ एक धोखा होता है। तो लेकिन एक्चुअल में टेस्ट काफी अच्छा, और आपको बिल की क्लिप दिखाएंगे हम, मतलब इतना कुछ खा लिया और बिल कुछ भी नहीं आया। ये कश्मीरी चाय,